सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक सुरेश चव्हाण के पुत्र और युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण के नेतृत्व में ऐतिहासिक राम राज्य युवा यात्रा के संपन्न होने के बाद प्रदोष चव्हाण ने राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और यात्रा के उद्देश्य और आयामों को बताया। प्रदोष चव्हाण ने बताया कि राम वन गमन पथ पर चलकर यह यात्रा 42 दिनों में अयोध्या पहुंची। इस दौरान यह यात्रा 8 राज्यों से गुजरी, जहाँ जहाँ से श्री राम माता जानकी और माता लक्ष्मण वनवास के दौरान गुजरी थी। रामराज्य युवा यात्रा का समापन अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया गया। श्रीलंका में जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और अयोध्या जहाँ यात्रा का समापन हुआ, इन दोनों जगहों के अलावा दक्षिण के प्रमुख पड़ाव पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और CMT सुरेश चव्हाण ने भी यात्रा में सहभागिता निभाई और उन्होंने भी इस प्रेस वार्ता के जरिए अपने अनुभव साझा किए। वहीं युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण ने यात्रा के अपने अनुभव को साझा करने के साथ साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रदोष चव्हाण ने यात्रा के आयामों को बताते हुए कहा कि वनवास के निवर्सन को झेलते हुए जिन मार्गों पर चलकर श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक गए, उन मार्गों पर पड़ने वाले प्रमुख स्थलों का संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका विकास और प्रचार किया जाना चाहिए। इन चारों आयामों पर कार्य करने की जरूरत है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के युवाओं में राम के चरित्र का निर्माण करना है। श्री राम के जैसा धैर्य, अनुशासन, ज्ञान, दया, प्रेम, साहस, बल और पराक्रम का निर्माण करना है। आज का युवा यदि श्री राम के गुणों का 1% भी आत्मसात कर लेता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे कहते हैं ना कि मातृ पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करके प्रभु को राम ने वन में जाना था, तो वो भी एक बहाना था और प्रदोष के लिए भी हमने एक बहाना ही ये यात्रा इसलिए था क्योंकि आज के युवाओं को शिकार किया जा रहा है वेस्टर्नाइजेशन वर्ल्ड के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, विभिन्न अटैक उसके ऊपर हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के। ऐसे में कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चों को मैदान में उतारना चाहता है, व्यवसाय में हो या किसी क्षेत्र, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हो, तो उन्होंने कठिन काम उसको देना चाहिए पहला, जैसे हमने किया कि वो प्रभु रामचंद्र जी जिस वन में जिस मार्ग से गए थे वहाँ पर अपने बेटे को भेज दिया और उससे उनको सीखने को भी मिलता है, धर्म समझता है, संवेदनाएँ जागृत होती है, हिंदुस्तान देखने को मिलता है। और अगर आपको देश का काम करना है तो आपको देश देखना ज़रूरी है, वो भी होता है। तो इतनी बड़ी 42 दिनों की यात्रा जिसमें लाखों लोग सहभागी हुए और करोड़ों लोगों तक इसका संदेश गया, ये यात्रा पूरी होकर आज यहाँ आई है। तो पत्रकार मित्रों को कहा था कि शुरू में आपको मिले हैं और उसके बाद भी मिलेंगे, इसलिए आज यहाँ सबको मिले हैं। और आप सभी को नमस्कार। हमने सुदर्शन राष्ट्रमान के ब्याह पर राम राज्य युवा यात्रा की शुरुआत 13 दिसंबर से करी थी श्रीलंका से, और हमने जो चरम पादुका हमारे साथ है उनका पूजन करके इस यात्रा का आरंभ किया। फिर यात्रा हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान के 6 राज्य और 10,000 किलोमीटर की यात्रा अयोध्या में 22 तारीख को समापन हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य था कि हम युवाओं में राष्ट्रधर्म का कार्य करने में और प्रोत्साहन दें, उनके अंदर रामचरित्र निर्माण करें, उनको मर्यादा में रहकर जो कानून है उसका पालन करना सिखाया और कठिन परिस्थितियाँ मतलब यानी संघर्ष करना सिखाया, ये इस यात्रा का उद्देश्य था। यात्रा 6 राज्य से होकर जब अयोध्या पहुँची तो अयोध्या में भी हमने चरम पादुकाओं का वहाँ पर दर्शन मतलब मिलन कराया देवी देवताओं का। 290 तीर्थ श्री राम जी के जो उनके 14 वर्षों का वनवास था उसमें वन गमन का जो उनका पथ है उस पर 290 तीर्थ है उस पर हम ये पादुका लेकर गए और सभी जगह देवी देवता का मिलन हुआ और अब ये पादुका आज आपके समक्ष है। NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।